जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में निकलने वाली आपकी व्यापम में शिक्षक भर्ती के बारे में। और इसकी जो मैंने आप लोगों के कलेक्ट करके एक डिटेल बनाई है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वो तो ट्विटर पे हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री जी हैं और अन्य जो है छत्तीसगढ़ के द्वारा वहाँ पर आपको जो वैकेंसी की डिटेल है उसकी जानकारी दी गई है। तो उसकी आपके एक एक करके जो कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है मैं आपको कलेक्ट करके पूरा इसका वीडियो बना रहा हूँ। तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जैसी जानकारी आएगी मैं उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल जो आपकी जो मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन है उसके माध्यम से आपको जानकारी दे रहा हूँ। अगर फ्रेंड ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, अच्छा लगा है, तो प्लीज जरूर बताएं। ऐसी डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड डेली अपडेट के हमारे चैनल से बने रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी है छत्तीसगढ़ से आपकी निकली व्यापम की शिक्षक भर्ती के बारे में। देखते हैं छत्तीसगढ़ के आपको ये ट्वीट देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए 14,580 जो टीचर के लिए आपका जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, आपको जो है आप रिक्रूटमेंट के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं जो कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कंसेंट हैज बीन गिवन एज अ बेसिक कंसर्न रिसीव फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड ऑर्डर टू इफेक्ट हैज बीन इशू बाय डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन आपका फ्रॉम मिनिस्ट्री। हियर टुडे द ऑर्डर इशू बाय एजुकेशन आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा। तो ऑर्डर इश्यू कर दिया गया है आपकी जो वैकेंसी है उसके बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखते हैं छत्तीसगढ़ की आपकी जो वैकेंसी है आपके जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकों की 14,580 सीधी भर्ती के लिए नियुक्त के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो उसके बारे में भी ट्वीट आप दे सकते हैं, 31 जुलाई 2021 को उन्होंने किया है। तो आपको उसके ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है आप दे सकते हैं टीचर की ईटी ग्रेड में 4,696 पोस्ट हैं, असिस्टेंट टीचर की आपको दे सकते हैं 4,000 पोस्ट हैं, असिस्टेंट टीचर की ईएनटी ग्रेडर में आपको दे सकते 3,177 पोस्ट हैं, असिस्टेंट टीचर साइंस लेबोरेटरी की ईएनटी ग्रेडर में 1 पोस्ट है, एक्सरसाइज टीचर की ईएनटी 745, टीचर इंग्लिश मीडियम में आपकी ई कैडर में 456, असिस्टेंट टीचर इंग्लिश की ई कैडर में 306 और आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 14,580 है। तो ठीक है, तो ये आपकी वैकेंसी की डिटेल आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए पोस्ट का नाम असिस्टेंट टीचर लेक्चरर आपको ऑर्गेनाइजेशन देखने में मिल जाए, एप्लीकेशन डेट है वो जैसी आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। आपकी जो अपर एज लिमिट है 21 से 35 रखी गई है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें आपका हायर सेकेंडरी विद 45% मार्क होने, डीएलएड बीएड डीएड बीएलएड या सीजीटी आपका टेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो एप्लीकेशन फी की अभी कंप्लीट जानकारी नहीं है, उसकी जैसी आएगी मैं आपको पूरी नोटिफिकेशन की वो आपको दे। सिलेक्शन प्रोसीजर की यहाँ पे बात की जाए तो फ्रेंड रिटन एग्जाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अनुसार यहाँ पे किया जाए। तो यहाँ पे 21 से 35 रखी गई है जो कि आपकी 1 जनवरी 2020 के अनुसार रखी जाएगी। ठीक है, ये एक अनुमानित है जो कि मैंने डाटा कलेक्ट किया है उसके लिए आपको लोग बता रहा हूँ। आपका 5 साल का SC ST OBC है तो आपको ये एज रिलेक्शन मिल। शिक्षक के बारे में देखेंगे यहाँ पे न्यूनतम 50% होना चाहिए। ठीक है, उच्चतर माध्यमिक में अथवा उसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा छात्र चाहे भी उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो उसके द्वितीय वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। अथवा यहाँ पे देखते हैं 45% अंकों के साथ उच्च स्तर माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा छात्र चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो उसमें आपका द्वितीय वर्ष में जो कि डिप्लोमा जो कि राष्ट्रीय आपका अध्यापक शिक्षा परिषद यानी मान्यता प्राप्त हो मानदंडों के अनुसार हो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपके न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए, उच्चतर आपका माध्यमिक यहाँ पे देख सकते हैं उसके समकक्ष या आपका प्रारंभिक शिक्षा या BLED में 4 वर्षीय स्नातक हो, अथवा यहाँ पे देख सकते हैं 50% आपके होने चाहिए उच्च स्तरीय आपके अथवा उसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा छात्र में विशेष शिक्षा छात्र के द्वितीय वर्ष के डिप्लोमा में, अथवा बात करें यहाँ पे स्नातक या प्रारंभिक शिक्षा छात्र में चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो वह द्वितीय वर्ष डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, अथवा बात करें 50% आपके अंकों के स्नातक तथा BEd के अर्हता होना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक भी आपकी कक्षा 1 से 5 तक के पढ़ने के लिए अध्यापक के पात्र हो परंतु यह उसके नियुक्ति के लिए पश्चाती राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त शिक्षा परिषद से 6 महीने का विशेष कार्यक्रम पूरा होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे बात करें शिक्षक की स्नातक या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र चाहे किसी भी उसके नाम से जाना द्वितीय वर्ष डिप्लोमा हो न्यूनतम यहाँ पे देख रहे 50% हो तथा और आपका BEd हो और 1 वर्षीय स्नातक हो, अथवा न्यूनतम 45% हो स्नातक एवं शिक्षा में BEd हो 1 वर्षीय स्नातक हो उसके संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद से के विनियमों के अनुसार प्राप्त किया हो।
यहाँ पे दे सकते हैं 50% उच्च स्तरीय माध्यमिक हो, समकक्ष आपके 4 वर्षीय बीए बीएसडी आपका बीएड और बीएसडी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दे सकते हैं न्यूनतम 50 आपका जो है 50% के अंकों के स्नातक या बीए आपके 1 वर्षीय बीएड का विशेष शिक्षा का कोर्स होना। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए लेक्चरर सिलेबस जो रहेंगे आपका दे सकते हैं, टीचर के यहाँ पे आप दे सकते हैं, असिस्टेंट टीचर के यहाँ पे आपके रहेंगे, तो उस तरीके से यहाँ पे आपका रखा गया है। सब्जेक्ट जो आपको दे सकते हैं, इनकी वैकेंसियां हैं इनके बारे में। तो फ्रेंड ये थी आपकी डिटेल छत्तीसगढ़ में निकली आपकी व्यापम में शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसकी मैंने आपको जानकारी दिखाई। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है या हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, तो ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।